किसान आंदोलन में वार्ता पर वार्ता विफल होने पर 15 जनवरी को होने वाली वार्ता क्या है? किसान का मूड, आइए देखते हैं सिंधु बॉर्डर से हमारे संवाददाता समीर खान की रिपोर्ट। खबर में हूँ समीर खान, इस वक्त हम मौजूद हैं सिंधु बॉर्डर पर। किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार अक्टिव है, 45 दिन हो चुके हैं कृषि कानून को लेकर। लेकिन जो अभी जो सरकार किसानों के बीच जो मीटिंग हुई है, वार्ता पे वार्ता हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान सरकार की तरफ से किसानों के लिए नहीं आया। अब सवाल ये है कि कड़ाके की ठंड पड़ी है, किसान यहाँ पर लगातार डटे हुए, लेकिन सरकार किसानों की कोई भी इसमें बात नहीं करे। हालांकि फिर एक बार सरकार ने किसानों के लिए 15 जनवरी की मीटिंग रखी है, जहाँ पर मेरे साथ है श्रीमती रमेश कांति। हाँ, वार्ता पे वार्ता हो रही है, लेकिन कोई समाधान क्यों नहीं? समाधान तो इन्हें निकालना पड़ेगा, आज तक नहीं तो हमने कोर्ट देखी और ना कोर्ट देखना चाहते। मोदी सरकार की कोर्ट और मोदी सरकार के विधानसभा में बिल पास करने, ना तो किसानों पर बिल पास करवाने की पूछी और ना पूछते, ना हम लौट चाहते। अकम जावेंगे कोर्टा में, बिल भी मोदी लेने वाला और पास भी मोदी पास करने वाला, तब मोदी पे पास करवाओगे भाई। और एक किसान हमने अपनी मान ही चूंगी, हरियाणा का नाम रोशन नहीं करा जो हमने जो अध्यादेश जो तीन बिल लाया है, जो ये फैल नहीं करवाए, तो श्रीमती रमेश अतल खड़ी कर जाएगी। आज सभी दिल्ली की सीमाओं पर वो देश के अन्नदाता यहाँ पर अभी भी डटे हुए हैं ठंड कड़ाके की, लेकिन सरकार अभी उनकी बात को नहीं सुन पा रही है। लगातार जो किसान हैं, 50-60 से भी ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली है और किसान जो है वो शहीद हो चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से किसानों के लिए कोई भी अभी ट्वीट या फिर कोई भी सरकार ने ऐसी बात नहीं की है कि कृषि कानून को वापस लिया जाए। अम्मा जी, किसान शहीद हो गए, 50-60 से भी ज़्यादा किसान शहीद हो गए, लेकिन सरकार तब भी सरकार के आगे क्यों नहीं झुक पा रही? आंखें खुल के जाएंगी बेटा, ये भैया न्यू देख रहा है इनमें दम कितना है। मैंने को तू तुम तू मारा दम के देखा है, हम तने दिखाने आ रहे हैं। जितने दिन तेरे तर रखे जाते हैं उतने दिन को तीन आराम से बड़े प्यार से सद्भावना के साथ मान और सम्मान के साथ, मेरी महिलाएं सारी साथ है। और पहला भाई मोदी ने चैलेंज करूँ श्रीमती रमेश अंतल की टीम अपनी जिंदगी नौछावर करने की तैयारी में है। मोदी साहब, अगर आपने लाठी चार्ज महिलाओं पर करो तो करना, जो मेरे पुरुष प्रधान पर हमारी भी लाठी चार्ज करती, जो जैसे वीर बहादुर थे हमारे भगत सिंह थे, ऐसे शहीद होने का काम रमेश कांति करेगी। सरकार ने फिर एक बार 15 जनवरी की किसानों की जो मीटिंग होने वाली फिर रखी, क्या उम्मीद है कि अगली 15 तारीख को आपकी बात को रखा जाएगा? मीटिंग पे मीटिंग इनकी मीटिंगों से तन आ चुके हैं हम। मैं कहना चाहती हूँ अपने प्रधानों से, चंदूनी साहब से, अपने पंजाब भाइयों से, हमें मीटिंग की जरूरत नहीं है। अगर तूने आना है तो हमारी स्टेज पे आ, किसानों के बीच आ और हमारे को अपने गोडे टिकड़े टेक के, हमारे को तीन अध्यादेश के जो कंधे काले कानून लेके आए हैं उनको पहल करो। हम नहीं रखते मीटिंग, हमें मीटिंगों की जरूरत नहीं है। अब अगर इन्हें जरूरत है मेरे भाइयों के बीच आए, मेरे भतीजों के पास आए, मेरे देवर जेठों के बीच में आए और अपनी माफी मांगे। जो मेरे 65 किसान शहीद हुए हैं, बाल बाल का हिसाब लेके दिखाएंगे। पंजाब हरियाणा पहले भी एक था, अब भी एक है। दिल्ली हमारी थी, हमारी ही रहेगी। मोदी साहब पिंजरे में बैठ के बोला है, बंद पिंजरे से बाहर आ जा ना किसान, जब जाग गया है तो शांति भाई कितने दिन रखी जाएगी? ये पता मन अपने बालक पचकार के कह रखी बेटा, शांति रखो शांति। पंजाब हरियाणा एक है, उत्तराखंड मध्य प्रदेश यमुनानगर छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ सब हम एक है। इन्होंने जाति बिरादरी पर नारे लगा कर सत्ता में आने का काम किया था, अब वो हम चलने नहीं देंगे। जहाँ भी खट्टर का प्रोग्राम होगा वहीं पे जाके उसका खंडन करेंगे, बहिष्कार करेंगे। कहीं भी बीजेपी का कोई काम उनका चलाने नहीं देंगे, नहीं उनकी मीटिंग होंगे, मीटिंगों को रद्द करेंगे। जैसे करनाल के अंदर लाठी चार्ज करवाई, क्या ये प्रधानमंत्री के ये काम थे? उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है, नहीं खट्टर मुख्यमंत्री कहलाने के लायक है। मेरे पुत्रों पे उन्होंने लाठी गोलियां चलाई है, परमात्मा उसका हिसाब देगा। परमपिता परमात्मा श्री रामचंद्र ने प्रजा के कहने से 14 साल का वनवास सीता माँ को दे दिया था, प्रधानमंत्री कहने के लायक नहीं है। धुतकारती है जननी माँ उसको, बहिष्कार करती है ऐसी सरकार को।
कट्टर, तूने देखा नहीं अभी माँ का जोश? जब तू सामने आएगा तो भस्म हो जाएगा। आज देश की वो स्थिति हो गई, एक तरफ देश का जवान है जो देश की रक्षा करता है और दूसरी तरफ वो है जो देश का अन्नदाता किसान है, जो देश का पेट भरता है। आज उन्हीं के साथ ये व्यवहार किया जा रहा है। अब मैं क्या कहना चाहूंगी कि कृषि कानून से भी बेहतर, मतलब किसानों से भी ज्यादा सरकार को कृषि कानून को नीचे क्यों चाहिए, किसान क्यों नहीं? उन्होंने किसान नहीं चाहते बेटा, उन्हें तो मुकेश अंबानी, अडानी और कंगना राउत जैसे चाहते हैं। स्मृति रानी कैसी चाहती है? स्मृति रानी जैसी इन्होंने चाहिए। उन्होंने माँ का दर्द नहीं देखा, मेरे बेटों का दर्द नहीं देखा, मेरे किसानों का दर्द नहीं देखा, जो आज सड़क के बीच में इतनी ठंड में 65 भाई हमारे शहीद हो गए हैं। मोदी साहब एक एक का हिसाब लेंगे और लेके जीत के वापस जब जाएंगे ना तो 2024 तक यही डटे रहेंगे। हमारे को कोई भाई खिलाल खाल खाकर हमारे को उठाने वाला नहीं। आप कहाँ से आए? तो देखा आपने जैसे कि यहाँ पर लगातार जो किसान है वो अपनी मांगों पर डटे हुए, लेकिन सरकार और किसान के बीच में लगातार कई बार मीटिंग हुई है लेकिन कोई भी समाधान अब तक नहीं आया। अब सवाल ये है कि क्या अगली मीटिंग जो होने वाली है सरकार किसानों की बात को मानेगी या नहीं? लगातार खबरें जारी होगी। देखते रहिए प्राइम मिनिस्टर, मैं समीर खान। माता जी, जी माता पानी पी लो आप।